फ्रेंड्स, आई एम सुमन। हमारे चैनल रिंकू क्लासेस में आपका स्वागत है। नुहिया वाली एनपीएस की तरफ से आज का मेरा टॉपिक है सर्वनाम। आज हम देखेंगे कि सर्वनाम क्या है। ये एक हिंदी ग्रामर का टॉपिक है जो आपकी क्लास जैसे फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे हैं उन दोनों ही क्लासेस में ये टॉपिक आपको मिलेगा। तो हम देखते हैं भी इसको यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम यानी कि इसकी परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा देखो यानी कि किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, किसी जगह या किसी वस्तु का बोध करवाए, हम उसे कहते हैं संज्ञा। यानी कि उन्हीं के स्थानों पर जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं सर्वनाम। जैसे देखते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, हम या फिर हमारा, वह, यह, कौन या फिर तुम्हारा आदि। ये वो वर्ड है जो आप डेली बोलते भी है और इनका यूज भी करते हैं। ये वो वर्ड है जो हम किसी की नाम की जगह यूज करते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते भी सीता खाना खाती है, सीता स्कूल गई। हम बार बार हम एक ही नाम का यूज करें, हम उसी नाम की जगह हम इन वर्डों का भी यूज कर सकते हैं, तब हम सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इससे कुछ देखते हैं, जैसे मैं का यानी कि मैं एक लड़की हूं, यानी कि मैं का यूज किया तो क्या हो गया, ये सर्वनाम। अब हम देखते हैं तुम, यानी कि तुम बहुत अच्छे हो, यहां हमने तुम का यूज किया तो ये आ गया सर्वनाम। तो हम देखते हैं थर्ड में आप कोई भी हम स्कूल गए, यानी कि हम भी आ गया। अब फोर्थ देखेंगे, हमारा एक घर है, यानी कि हमारा एक घर है वह। अब देखेंगे वह एक किताब है, यह का, यह कार है, कौन, तुम कौन हो, यानी कि कोई पूछ रहा है भी तुम कौन हो तो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है, यानी कि कोई आपसे पूछ रहा है भी तुम्हारा नाम क्या है तो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहां हम ना तो किसी का नाम यूज किया है, उन नाम की जगह हमने कुछ सर्वनाम यूज किया। जैसे देखो मैं का, तुम, हम, हमारा, वह, यह, तुम, तुम्हारा, ये सब जितने भी वर्ड थे ये सब थे सर्वनाम कहलाते हैं। थैंक यू।